ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि निहालपुरा पट्टन के रहने वाले नौजवान की है, जो सऊदी अरेबिया के मक्का प्रोविंस में काम कर रहा था। और बेहद ही दुखद खबर सऊदी अरेबिया से सामने आ रही है कि मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में इरफान अहमद शेख की डेड बॉडी वहां पर पाई गई है। क्या है पूरा मामला, राही निसार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके घर वालों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इनका कहना है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में इरफान अहमद शेख की डेड बॉडी मिली। پنٛدٮ۪ن گوٚبرن میون عرفان صٲب گژھِ مےٚ لاش واتٕنۍ واپس، عرض چھَس کران پنٛنٮ۪ن گوٚبرن، بہٕ کرن پنٛنہِ گرِ دفن، بہٕ پرس پنٕنۍ موج فاتے، عرض چھَس کران پنٛنٮ۪ن گوٚبرن، میون شہزاد گژھِ واپس واتُن، مےٚ گژھِ پنٕنۍ لاش ترٕنۍ واپس، یِتُے چھُ میون عرض تہٕ یِتُے چھُ میون فرض، پنٕنۍ لاش گژھٮ۪م واتٕنۍ واپس، میون گوٚبرٕ یار گوٚژھ واپس یُن، مےٚ گٔژھ پنٕنۍ لاش واتٕنۍ واپس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، آج اس گھر میں پورا ماتم چھایا ہوا ہے، تو آپ کے وسادت سے ہم گورنر صاحب سے گزارش کرتے، جو ہماری جو ڈیڈ باڈی اس وقت سعودی عرب میں پڑی ہوئی ہے، ہم پورا مودبان سے گزارش کرتے، حکومت سے، گورنر سے، جتنے بھی حضرات ہیں، تو ہم ان سے مودبانہ گزارش کرتے کہ ہماری لاش ہمیں چاہیے، تاکہ ان کے گھر والوں کو بھی کچھ اطمینان مل جائے۔ جتنے بھی یار دوست تھے ان کے پورا آواز پڑے ہوئے، یہاں پورا ماتم پڑا ہوا ہے اس تحصیل میں نہل پورہ میں، ہم مودبانہ گزارش کرتے کہ ہمیں لاش چاہیے تاکہ ہمیں اطمینان مل جائے۔ اور اس کے علاوہ پورا جتنے بھی ان کے ساتھ آپ میڈیا وابستہ ہے، آپ کی وسادت سے ہم یہ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، آپ بھی ہماری یہ بات آگے لی جائے تاکہ ہماری بات کو سنائی دی جائے کسی جگہ۔ تو فی الخصوص ہم گورنر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری لاش ہمیں چاہیے، تاکہ جتنے بھی ان کے گھر والے ہیں ان کو کچھ اطمینان مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکچولی یہ جو ہے، ہم پر اسٹور میں کام کر رہے تھے، اور اسٹور میں جاب کرتے کرتے ان کو ایک کال آیا ہے، کال کرتے کرتے یہ باہر نکلے اسٹور سے، اور باہر نکلتے ہی وہاں پر یہ واپس نہیں آئے، تو بہت ٹائم تک وہاں بہت سارے ان کو ڈھونڈنے نکلے، تو ڈھونڈنے کے بعد ایک دوسری بلڈنگ میں وہاں پر دیکھا ان کی لاش گڈھے میں پڑی تھی، تو ان کا فون وغیرہ بھی ڈیمیج تھا، تو پولیس نے لاش جو اپنی تحویل میں لے لی ہے، اور کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا ادھر، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کارروائی جلد از جلد ہو، اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ان کے لواحقین کو سپرد کر دی۔ तो चलिए रुक करते हैं पटन का। राही निसार हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। राही, बताइएगा आप क्या है पूरा मामला, क्योंकि महज 27 साल का इरफान अहमद शेख अब दुनिया से इस तरह से रुखसत हो गया है, जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस भी इनके घर वालों ने बयां करे, और क्या कुछ कहना था इनका। देखिए प्रियंका, ये यहाँ कल जुमे की बात है, जब यहाँ पे एक खबर पहुंची कि इरफान अहमद शेख जो मक्का बायत सिटी स्टूडियो में काम कर रहा था, और ये तकरीबन 6 महीने पहले गया था और वहां पे एक किस्म की मजदूरी कर रहा था, कुर्मा कंपनी कोई वहां पे थी, वहां पे वो काम कर रहा था, तो अचानक कल इनके घर वालों को यहाँ पे एक खबर मिली कि इसकी वहां पे मौत वाकया हुई है। और जो ही यहाँ पे ये खबर फैली तो उनके घर वहां पे बहुत सारे लोग पूछे, तो आज सुबह हम भी जब वहां पे पूछे, क्योंकि वहां पे हम ये कहेंगे कि एक मातम सा सारे इलाके में छाया है, क्योंकि जो तस्वीर में आप देख रहे हो, एक जो इरफान अहमद शेख है, एक अच्छा लड़का था पूरे इलाके में, इसका एक नाम था, तो अचानक जब ये खबर यहाँ पे पूछी तो मातम सा यहाँ पे सारे इलाके में यहाँ छा गया। और जो ही हमने इनके घर वालों से बात की, तो उनके घर वालों का वहां पे साफ कहना था कि अब हमें डेड बॉडी चाहिए, वो यहाँ पे अलजी सरकार से गुजारिश करते हैं, और जो भी यहाँ पे हमारे एमएल जरे वहां पे उनसे गुजारिश करते हैं कि हमें
जल्द अज जल्द इसकी डेड बॉडी अब यहाँ पे पहुंचनी चाहिए ताकि हम इनके आखिरी रसूमात यहाँ पे पूरी कर सकते, क्योंकि इसकी माँ से जब हमने बात की, जो हमने अपने नाजरीन को यहाँ पे अभी उनकी आवाज सुनाई, उनका एक जो बाइक हमने यहाँ पे सुनाई, तो वो रोते रोते ही पुकार लगा रही थी कि मुझे अब खाली इसकी माँ चाहिए ताकि मैं इसको यहाँ पे देखूं और इनको जो आपकी रसूमात होती है वो यहाँ पे हम अदा कर सकते हैं। और खास तौर पर जो हमने लास्ट में एक बाइक सुनी, ये कंपनी का लड़का है जिस कंपनी के थ्रू से ये वहां पे स्टूडियो आरंभ गया था, और उसका कहना है कि जो इरफान अहमद शेख है इनको वहां जो इसका डेरा था उनको अचानक एक कॉल आती है और इनको बुलाया जाता है कि आप दूसरी बिल्डिंग में आ जाइए। तो जब ये दूसरी बिल्डिंग में गए हैं तो वहां पे जब ये देर गए तक वापस नहीं आए तो जिनके वहां पे दूसरे दोस्त थे जो इनके साथ काम करते हैं तो वो इरफान को वहां पे दूसरी बिल्डिंग में ढूंढने के लिए गए थे, और जो ही वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने वहां पे इरफान की लाश देखी और जो इरफान का खून था वहां पे वो भी डैमेज किया गया था। इस हवाले से इस जो ये कंपनी का लड़का जो इस वक्त जहालपुरा पटन आया था इनकी ताजपोशी करने के लिए, इनने कहा कि जो ही मैंने अपराध का वहां पे किया तो बताया जाता है कि जो वहां पे पुलिस है उन्होंने 5 लोगों को हिरासत में लिया है पूछताछ करने के लिए। अब इनके घर वालों की खाली यहाँ पे डिमांड एक तो ये है कि इसकी तहकीकात की जाए, अरब जो वहां पे उनका वो जो वहां पे हम देखेंगे हुकूमत या उनके जो पुलिस महकमा है वहां पे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या इरफान का वहां पे कत्ल किया गया है या दूसरा कोई मसला है। और साथ साथ उन्होंने यहाँ पे पुकार लगाई है अर्जी सरकार से अपने यहाँ पे कि वो इसमें ध्यान दे, इसमें थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करे कि इसकी डेड बॉडी जो है वो यहाँ घर तक पहुंचे। हालांकि जो कंपनी का लड़का है उसने भी कहा कि हमने भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है और हम रायते में है वहां पे सऊदी अरब में ताकि जो इसकी डेड बॉडी है वो यहाँ पहुंचे, मगर उसके लड़की तो वो लड़का है वो कहता है कि अभी जो डेड बॉडी है वो पुलिस के हाथ में है, यानी कि पुलिस शायद वहां पे जो पोस्टमार्टम या दूसरे वहां पे लवाजमा थे वो शायद अभी पूरे कर रहे हैं। और उसने भी अब यकीन दिलाया कि हम भी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम डेड बॉडी को किसी भी तरीके से वापस लाएंगे। अब यहाँ भी यहाँ पे जो इन घर वालों की एक पुकार है वो यही है कि जो भी हमारे इस वक्त यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट हमारी जो भी है अर्जी सरकार जो है वो इसमें हमारी मदद करे ताकि हम इसकी डेड बॉडी को यहाँ ला सकेंगे। जी प्रियंका, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है एयरलिफ्ट कर जल्द से जल्द डेड बॉडी इनकी वापस घर पहुंचाई जाए, और वहीं पर अगर बात करें जिस तरह से इनको कॉल आया उसके बाद बहुत देर तक ये वापस नहीं आए और आई तो सिर्फ मिली तो सिर्फ डेड बॉडी। कब से ये काम कर रहे थे, कौन सी सिटी में ये काम कर रहे थे, किस कंपनी के साथ ये काम कर रहे थे, और कभी इन्होंने घर वालों से कुछ शेयर किया कि किसी तरह की प्रॉब्लम इनको वहां पर आ रही है? नहीं, जो ही मैंने इनके घर वालों से वहां पे बात की उन्होंने कहा कि 6 महीने से ये वहां पे काम कर रहे थे तो जो लगातार फोन पे बात हो रही थी अच्छे खासी वहां पे थे, ये काम अच्छे तरीके से कर रहे थे, जो वहां पे मक्का ताइफ सिटी है सऊदी अरब में वहां पे वो काम कर रहे थे और वहां पे हम ये कहेंगे अच्छे तरीके से अपने दोस्तों के साथ भी थे और काम भी अच्छे तरीके से कर रहे थे और घर भी हमेशा हम रायता कर रहे थे। पर अचानक जुमे के दिन जब ये वाका पेश आया और जो कंपनी का लड़का है जो मैंने कहा कि वो अभी निहालपुरा फटक के घर आया था तहसील पुरुषी करने के लिए, उनका भी कहना था कि जो हम लड़के यहाँ से भेजते फिर उनके रास्ते में टच में हम रहते हैं अच्छे तरीके से वहां पे ये मजदूरी अपने तरीके से कर रहा था क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। और यहाँ पे अगर आप हम ये भी बताएं कि यहाँ पे अब जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं वो चाहते हैं कि हम कहीं पे जाके अपना रोजगार कमाए और अपने घर को चला सके, उसी तरीके से इरफान अहमद शेख ने भी एक कंपनी ज्वाइन की थी और उस कंपनी की तरफ से उसको वहां पे सऊदी अरब भेजा गया था। अब यहाँ पे मामला ये है कि जो कंपनी का लड़का भी कहता है तो दूसरे बिल्डिंग में बुलाया गया था, फिर उसका खून डैमेज था, फिर वहां पे अचानक उसकी डेड बॉडी मिली, तो इनके घर वालों को अब यहाँ पे ये शख्स बात है शायद इरफान को वहां पे मारा है। अब इस पे जो वहां की पुलिस है वो इस पे तहकीकात करेगी, अलबत्ता इसके घर वालों की इस वक्त एक ही पुकार है कि हमें यहाँ पे सरकार की तरफ से मदद मिलना चाहिए ताकि हम अपनी डेड बॉडी वहां से ला सकेंगे एयरलिफ्ट वहां से हो और ताकि यहाँ पे अपने तरीके से हम यहाँ पे उसकी रसूमात अंजाम देंगे जो आखिरी रसूमात होती है। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया राही जैन करने के लिए। तो राही निसार इस हवाले से सारी जानकारी दे रहे थे, जिस लड़के की तस्वीर